अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं शौकत अली आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं रोड से गुजर रहा था, मैंने अचानक देखा एक बच्चा जो है, उस बच्चे ने एक लकड़ी की एक जेसीबी बनाई हुई है और मसरूफ़ है अपने कामकाज में, इधर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इस बच्चे से जो है आपकी आपको मुतारफ़ कराया जाए। तो मैंने इसके साथ जब बातचीत की तो बच्चे का कहना है कि मैंने 5 दिन सोचने के बाद ये जो लकड़ी की जेसीबी है, तो मेरे साथियों मैं आपको ये जो मशीन इस लड़के ने बनाई है ये मैं इसको देता हूँ, ये इसको ऑपरेट करेगा, ये इसको ऑपरेट करके बताएगा कि कैसे ये फंक्शन करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे की क्रिएटिविटी है, बच्चे का जो माइंड सेट है बहुत बढ़िया है। तो आप देखें, बेटे आपका नाम क्या है? शाबाज। शाबाज नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फिफ्थ क्लास में। कौन से स्कूल में? पटियारा स्कूल में। पटियारा स्कूल का ये तालिबे इलम है फिफ्थ क्लास का। आपके पापा का नाम क्या है? तालब हुसैन। तालब हुसैन का ये लड़का है जिसने ये एक बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया है। तो प्लीज़ आप बेटे इसको ज़रा ऑपरेट करके दिखाएं, बैठ जाए नीचे जैसे कर रहे थे आप। चल चला के दिखाओ। शाबाश। तो ये है, ये इसने जेसीबी की नकल की है। मुंडे तेरे बाहर की डिमांड हो गई है, नेट से चढ़ चली है। ना ना ना, डंडी नहीं फड़नी, डंडी नहीं फड़नी। तो ये है उस लड़के का पापा, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनके लड़के ने इतनी बड़ी क्रिएटिविटी करके जेसीपी जो है, एक लकड़ी से बनी हुई जेसीपी, वो भी फंक्शनिंग, बढ़िया काम काज उसे ये कर रहा है, बहुत अच्छी मशीन है। तो ये है तालिब हुसैन, तो इसका ये लड़का है फिफ्थ क्लास में पढ़ता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो तालिब भाई आपका क्या कहना है, आपके लड़के ने ये बढ़िया काम किया कि नहीं किया? बढ़िया किया। हाँ, तो आप अपने बच्चे पर कितना खुश हैं?